झारखंड सरकार के द्वारा होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी कर शहर के आम नागरिकों से होल्डिंग टैक्स लेने के फरमान पर उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने रोक लगाने को कहा है। उन्होंने इस आदेश को तुगलकी फरमान कहा है, जिसे अविलंब रोक लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नए नियम लागू होने से रांची नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आवासीय भवनों का टैक्स जहां 15 से 25% तक बढ़ जाने की संभावना है। साथ ही कहा कि झारखंड सरकार इस विषय पर पूर्ण विचार कर इस तुगलकी फरमान पर रोक लगाए, जिससे कि कोरोना काल से उबर रहे रांची वासियों को इस विषम परिस्थिति में आर्थिक बोझ का सामना ना करना पड़े। 2 साल 4 साल 5 साल में इतनी बड़ी बढ़ोतरी करने का अगर निर्णय लेते हैं तो वो भी जनता के हित में बिल्कुल नहीं है। मेरा आम लोगों से अनुरोध है कि अभी उनको इंतजार करना चाहिए, अभी होल्डिंग टैक्स नहीं देना चाहिए जब तक इसको बोर्ड की बैठक में लाके स्वीकृत नहीं कराया जाए, उसके बारे में नहीं बताया जाए, उसके तर्क नहीं बताया जाए, उसके लिए हम लोगों की राय नहीं ली जाए, तब तक होल्डिंग टैक्स ना दें। साथ ही साथ मैं आप लोगों के माध्यम से रांची की जनता को ये भी बताना चाहूँगा कि अभी CDC कंपनी काम नहीं कर रही है। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं शहर में जो घरों से वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे पैसा वसूलने का काम करते थे और करने का प्रयास अभी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी आप वेस्ट यूजर चार्जेज अभी नहीं दे। ये काम कर रहा है, कोई कंपनी को आउटलेट नहीं किया हुआ है और जब ये व्यवस्था प्रॉपर होगी तो उसकी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी, उसके बाद ही वेस्ट यूजर चार्ज लेने का काम करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से स्पष्ट रूप से ये कहना है कि होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी एक बार निकाय में स्वीकृति के बाद ही वसूली जाए, उसमें जनप्रतिनिधियों की भी सुनी जाए, जनता के हित को भी देखा जाए, उसके बाद निर्णय लिया जाए। अगर ये नहीं किया जाता है तो जरूरत पड़ेगा तो हम जनता के साथ किसी भी स्तर के आंदोलन करने के